टू माई चैनल। जैसे कि आपको पता है गणपति की फेवरेट डिश मोदक है, तो मैं आज अपने चैनल पर आपको मोदक दिखा रही हूँ, क्योंकि मैंने आज से अपना चैनल शुरू किया है। तो मैंने सोचा कि गणपति के मोदक से करनी चाहिए, इससे शुभ दूसरा कुछ नहीं हो सकता। तो मैं आपको मोदक की रेसिपी बताती हूँ। मोदक बनाने के लिए हमको चाहिए शक्कर, खोबरा, खसखस और गुना हुआ आटा। मैंने आटा गूंदने के टाइम उसमें तेल और थोड़ा सा नमक डाला था और पानी से आटा थोड़ा सख्त गून लिया है। अभी मैं आपको मोदक कैसे बनाते हैं वो दिखाती हूँ। हमने आटे की एक लोई बना ली है, उसके ऊपर थोड़ा सा आटा लगा लिया है, उसे अच्छी से बेल लेंगे। इसे बड़ा बेलेंगे, बड़ा बेल के हम इसके छोटे छोटे गोले बना लेंगे। उस गोलों के अंदर हम वो सारन पूरा भर देंगे, उससे हमारे मोदक फूटेंगे नहीं और अच्छे से बन जाएंगे, और हमारे एक साथ में 6-7 मोदक फटाफट बन जाएंगे। अब हम इसके ऐसे छोटे छोटे राउंड्स बना लेंगे, हमारे एक साथ 4 मोदक बन जाएंगे। फिर हम दूसरी कटोरी में शक्कर, सूखा हुआ खोबरा, थोड़ी सी खसखस अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसके अंदर ये भर देंगे, इसे छोटे 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 करके फिर हम इसका ऐसे फोल्ड कर देंगे। इस तरह से ये हमारा मोदक तैयार हो गया। हमने दूसरी तरफ तेल गरम करने के लिए रख दिया है। तब तक हम तेल गरम हो रहा है, अपने मोदकों में सारन भर लेंगे। बन गए, हमने 11 मोदक बनाए, क्योंकि बोलते हैं गणपति पे 11 या 51 मोदक चढ़ाने चाहिए। तो मैंने 11 मोदक बना लिए और दूसरी तरफ हमारा तेल भी गर्म हो चुका है। अब इस गर्म तेल में हम एक एक करके मोदक डाल देंगे। धीरे से हिलाएंगे, ऊपर नीचे से कर लेंगे और इसको ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। ये ब्राउन हो रहे हैं, आप देख सकते हैं एक भी मोदक नहीं टूटा और हमारी मोदक जल्द से जल्द तल कर हो गए और जल से जल बेल कर भी हो गए। एक साथ हम ऐसे बहुत सारे मोदक बना सकते हैं। अब हम इन मोदकों को निकाल लेंगे। सकते हैं कि हमारे मोदक तैयार हो गए हैं और कितने अच्छे से इसके ऊपर कलर आया है। हमारे मोदक अब गणपति बप्पा को चढ़ाने के लिए तैयार हो गए। अगर आपको ये मोदक या गणपति की फेवरेट डिश पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर की वीडियोस को शेयर कीजिए और बताइए मुझे मोदक कैसे बने हैं। कमेंट्स कीजिए और कमेंट्स में मुझे बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए प्लीज और बेल आइकन को दबाना न भूले, ताकि मेरी न्यू वीडियोस जब भी आए तो आपके पास तुरंत ही आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।